अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौसेफ हाशमी और ये है ऑडी A5 2018 मॉडल। ये ऑडी A5 का 30 TFSI वर्जन है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर 1400cc टर्बोचार्ज इंजन आता है और इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 1,20,00,000 रुपए और ये फेस 7 हाई ड्राइव मोटर्स पे लिस्टेड है। अगर आपने ये गाड़ी विजिट करनी है तो आप फेस 7 रावलपिंडी में हाई ड्राइव मोटर्स के ऊपर इसको विजिट कर सकते हैं, और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये इस गाड़ी का 5-डोर यानी लिफ्ट बैक स्पोर्ट बैक वर्जन है, यानी कि इस गाड़ी की ट्रंक केबिन के अंदर ही है और इसको आप केबिन के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ऑडी ने रिसेंटली पाकिस्तान में अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट बना ली है, इस तरह से कि ये गाड़ियाँ कंपैरेटिवली मर्सिडीज और BMW से थोड़ी अफोर्डेबल होती हैं। इस प्राइस रेंज में अगर आप मर्सिडीज देखें तो 1,20,00,000 समथिंग में आपको 18 मॉडल सी क्लास मिलती है, या आपको ई क्लास मिलती है 2012-13 मॉडल जो काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो उसके लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली एक अच्छा ऑप्शन है और इसकी डीलरशिप्स भी पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। प्लस इस गाड़ी की स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी पाकिस्तान में इजी होती जा रही है और ये कार है भी देखने में थोड़ी ज़्यादा एडवांस और डायनामिक। बाकी पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो ऑडी A5 का फ्रंट लुक है 2018 मॉडल का, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है और ये काफ़ी पॉइंटी सा है। इसमें हर चीज़ काफ़ी शार्प है और एक प्रॉपर आपको एलीट क्लास लुक देती है। BMW और मर्सिडीज और लग्जरी में ज़्यादा फोकस होती हैं, लेकिन ये कार एक प्रॉपर डायनामिक सी लुक देती है आपको। इस गाड़ी का फ्रंट एंड काफ़ी मैसिव है, बोनट भी इस गाड़ी का काफ़ी बड़ा है, हेडलाइट्स इस गाड़ी की काफ़ी पॉइंटी सी हैं और बुलेट शेप में है, और इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग DRLs दी गई हैं जो कि ऑडी का सिग्नेचर है। फ्रंट पर ये ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है विद 4 रिंग्स, और इसके अलावा इस गाड़ी में कोई फॉग वगैरह नहीं आती प्रॉपर। इसमें साथ यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के टायर्स को और ब्रेक्स को ठंडा होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर ये DRL आती हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ऑडी का साइन है, और इसके अलावा बीच में बायजनोन LED लैंप्स दिए गए हैं लो और हाई के लिए अलग-अलग। और ये इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है और इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल लाइंस दी गई हैं। स्पेशली अगर आप बोनट को देखें तो ये बोनट फेंडर से 1-2 सेंटीमीटर बाहर आ रहा है और इसकी फिटिंग का कोई इशू नहीं है, ये दोनों साइड्स पे ऐसे ही बराबर बाहर आता है। बाकी साइड पर फ्रिल्स दी गई हैं, इस गाड़ी का साइड मिरर जो कि अगेन काफ़ी डायनेमिक डिज़ाइन के अंदर है, और इसके अंदर काफ़ी स्लीक से इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा ये इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स जो कि अगेन मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लुक में एक अच्छा शॉट करते हैं, और इस गाड़ी के डोर हैंडल भी इस गाड़ी के ऊपर की तरफ खुलते हैं लाइक दिस। ये बाहर नहीं आता ट्रेडिशनली कार्स की तरह, ये ऊपर जाता है, और इसमें भी एक और मतलब की चीज़ है वो ये है कि आप जैसे ही डोर लॉक करते हैं तो इस गाड़ी का जो मिरर है वो अनफोल्ड होता है लाइक दिस। ये पहले नीचे जाता है और फिर इस गाड़ी का डोर खुलता है, क्योंकि इस गाड़ी के डोर्स बॉर्डरलेस हैं तो बंद करते ही इसका मिरर ऊपर होता है और खुलते ही है नीचे जाता है ताकि इस गाड़ी के फ्रेम के अंदर अड़े ना। ऑडी के अटेंशन टू डिटेल, इसमें यहाँ पे ये लाइट्स दी गई हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक रूफ आती है, अंदर से इसकी ओपनिंग सनरूफ जितनी ही है लेकिन बाहर से एक ये पैनोरामिक रूफ लगती है प्रॉपर। इस गाड़ी की छत पूरी ही ब्लैक है और इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल काफ़ी अग्रेसिव है, इसके अंदर कट्स एंड कर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर लुक की तो ये भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इसके अंदर LEDs जो आती हैं ये काफ़ी ब्राइट हैं। बाकी इसका डिज़ाइन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके जो ये वाला एरिया है ये आउट ऑफ नोवे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, लेकिन खैर इस गाड़ी की ओवरऑल टेल लाइट्स की लुक काफ़ी मज़ेदार है। इसकी जो LEDs हैं ये काफ़ी ब्राइट होती हैं, शुरू से ही ऑडी का सिग्नेचर मूव है। बाकी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी फ्रिल्स दी गई हैं, बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर आते हैं, साइड पर रिफ्लेक्टर्स आते हैं, और इसके अलावा ये क्रोम की फ्रिल अगेन जो कि इसके बम्पर की लुक में एक अच्छा टच ऐड करती है। बाकी क्योंकि ऑडी A5 का सिंपल 30 TFSI वर्जन है तो इसमें एग्जॉस्ट टिप एक ही आती है। इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर या इस गाड़ी के जो S पैकेज होते हैं उनके अंदर एग्जॉस्ट डुअल भी आते होते हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी की ठीक है। ट्रंक अनलॉक करने के लिए इसमें ट्रंक के नीचे लैच दिया गया है और इसमें जो टेल गेट है ये ऑटोमेटिक आता है, और इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो है काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे इस गाड़ी की सीट्स जो है ये फोल्डेबल है, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी नीचे दिए गए को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस गाड़ी का फुल साइज में आता है, साथ ही यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट दी गई है और ट्रंक के अंदर LED लाइट्स भी दी गई हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी का ट्रंक केबिन के अंदर से भी एक्सेसिबल है। ट्रंक को बंद करने के लिए अगेन यहाँ पे बटन दिया गया है, ट्रंक इलेक्ट्रॉनिक है इस गाड़ी का, और इस गाड़ी के जो टेल लाइट्स हैं ये भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी ब्राइट हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये ऑडी A5 का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में है तो काफ़ी मज़ेदार और ये काफ़ी डायनामिक है, लाइक जितना होना चाहिए उतना ही है। इसमें कोई ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग यूज़ नहीं की गई, ये बड़ा सोबर सा है। इसके अंदर मल्टीपल कलर टोन्स ऑफर की गई हैं, ब्लैक, बेज और वुड की, और इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वर्क्स हैं जो कि आपको होंडा वगैरह के अंदर नहीं मिलती यूजली। स्टीयरिंग इस गाड़ी का काफ़ी बेसिक सा है, ये 3 स्पोक है, लेफ्ट राइट डिफरेंट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं,
इस पर जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के एमोलेड डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा राइट पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ये 514cc टर्बो वेरिएंट है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी के स्टीयरिंग के मटेरियल भी मेरे ओपिनियन में अच्छे हैं। और अगर बात की जाए मीटर की, तो ऑडीज़ के मीटर मुझे हमेशा से काफ़ी पसंद है। इस गाड़ी के मीटर टू द पॉइंट होते हैं और ये काफ़ी यू नो इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें दो डायल दिए गए हैं, RPM और स्पीडोमीटर का। और स्पीडोमीटर का डायल भी अगेन इस गाड़ी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि ये 14cc कार है बट स्टिल इसमें स्पीडोमीटर 300 तक आता है, जो कि आई डाउट कि ये गाड़ी हिट करेगी, लेकिन स्टिल इसमें मीटर 300 तक दिया गया है। बाकी बीच में एक स्क्रीन दी गई है काफ़ी बड़ी, जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस गाड़ी की स्पीड इन डिजिटल फॉर्मेट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बाकी इस गाड़ी के मीटर की ओवरऑल हाउसिंग भी बहुत मज़ेदार है और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का बहुत सारी लेयर्स के अंदर है। बीच में इसमें वुड भी यूज़ किया गया है और इसके सेंटर में यहाँ पे एक मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है इसका, जो कि थोड़ा छोटा है और ये फ्लोटिंग डिज़ाइन के अंदर है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है। इसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं और इसमें मोस्टली कंट्रोल्स टच वाले हैं। जैसे अब इसके ये ट्रैक्स दिए गए हैं, तो इसमें ये 8 फेवरेट ट्रैक्स का ऑप्शन दिया गया है। आप इनके ऊपर अगर स्वाइप भी करते हैं तो ये चेंज होते हैं लाइक ये टच वाले हैं लाइक दिस। आप इनके बीच में स्वाइप करके भी नेविगेट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक डायलर पैड दिया गया है, जिसे आप इस गाड़ी के डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। और सिलेक्ट करने के लिए आप इसको प्रेस करेंगे, अब इसके डिफरेंट मेन्यूज खुल जाते हैं। जैसे भी इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, कम्फर्ट, ऑटो, डायनामिक और इंडिविजुअल। ऑटो में ये गाड़ी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी और बाकी आपके सामने है। मल्टीमीडिया सिस्टम से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इसके बटन्स भी टच में है। अब इसके ऊपर स्वाइप करेंगे तो इसके डिफरेंट मेन्यूज खुलते जाएंगे लाइक दिस। और सेलेक्ट करने के लिए आप इसको प्रेस करेंगे लाइक दिस। और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी 3 जोन आता है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, और रेड पैसेंजर्स अपनी मर्जी के लिहाज से अलग से। तो इसमें 2 जोन फ्रंट पे हैं और एक बैक पर। 2 जोन के डिस्प्ले यहाँ पे आ रहे हैं, लाइक अब ड्राइवर ने अगर हाई पे कर दिया है तो पैसेंजर का 23 पे है। इनको अगर मैं सिंक कर दूंगा तो ये दोनों का सेम हो जाएगा। और इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल के डायल्स हैं, ये भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी हाई क्वालिटी हैं। इनके अंदर आपको इंडिविजुअली क्लाइमेट कंट्रोल शो हो रहा है और इसका डिस्प्ले भी काफ़ी हाई क्वालिटी है। इसी तरह फैन स्पीड को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे डायल दिया गया है, इनको यूज स्वाइप करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट बटन्स दिए गए हैं, जैसे ड्राइव सेलेक्ट दिया गया है। अगेन ड्राइव सेलेक्ट से जो आप कंट्रोल्स एडजस्ट करेंगे वो स्क्रीन के अंदर शो होते हैं लाइक दिस। तो ये कार आपको शो करा रही है कि कौन से मोड में गाड़ी क्या करेगी। उसके साथ यहाँ पे इस गाड़ी का इक्वाइडलिंग का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में इक्वाइडलिंग भी आता है, यानी कि अगर आप ब्रेक लगाए गाड़ी को स्टॉप कर देंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद होगी और ब्रेक से पाँव उठा के आप चलाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का असिस्ट दिया गया है। साथ यहाँ पे पार्किंग असिस्ट का कंट्रोल दिया गया है, यानी कि आपकी गाड़ी अगर आप इसमें आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपकी कार ऑटोमेटिकली आपको पार्क करने में काफ़ी हेल्प करेगी। साथ ही यहाँ पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है, इसे आप पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले भी इस गाड़ी के स्क्रीन के अंदर शो होता है। इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर आते हैं। इन बटन से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का पुश स्टार्ट दिया गया है। इस गाड़ी में पुश स्टार्ट की लोकेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 7 वोल्ट का पोर्ट दिए गए हैं, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और यहाँ पे इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवल दिया गया है, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी हैवी सा है और इसकी प्रॉपर एक फील है गियर स्विच करने की। इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है PR, ND और DM करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, पेडल शिफ्टर या ट्रेक्ट्रॉनिक इस तरह से। इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर भी आते हैं और पार्किंग में करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। ये ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता, इसको आप जस्ट यूँ करके छोड़ेंगे तो ये वापस हो जाता है अपनी जगह पे। साथ ही यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दी गई है इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक, और बाकी एक यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है छोटी सी जॉयस्टिक, जहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी के ट्रैक आगे पीछे करने के लिए इसको आप यूँ करेंगे लाइक लेफ्ट राइट, और वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए इसको स्क्रॉल करेंगे। वॉल्यूम कंट्रोल से पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का की होल्डर दिया गया है, जो काफ़ी स्मार्ट सा है। उसके पीछे यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट दी गई है, एक सीट लाइटर दिया गया है, और उसके अलावा ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल, जो कि कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन ये ठीक है, नॉट बैड। इस गाड़ी के अंदर कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। और उसके गियर पैनल के आसपास वाला एरिया भी काफ़ी मज़ेदार है। ये एरिया आपको प्रॉपर एक कॉकपिट जैसी लुक देता है। उसका गियर लेवल भी काफ़ी मज़े का है, जो कि सिर्फ इतना सा हिलता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार हैं, लेकिन कंपेरेटिवली सी क्लास से थोड़ी कम ग्रिपी हैं। सी क्लास में थोड़ी सीट्स ज़्यादा यू नो ग्रिपी आती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल्स भी इस गाड़ी के मेरी ओपिनियन में अच्छे हैं, लेकिन कंपेरेटिवली डिज़ाइन के लिहाज से सी क्लास इससे बेहतर थी। इसके अंदर एम्बियर लाइटिंग दी गई है डोर्स के अंदर, हैंडल्स के आसपास, और इवन स्पीकर्स में भी। और स्पीकर इस गाड़ी के अंदर बैंग एंड ओलुफ्सन के आते हैं, जो कि अगेन काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है स्पीकर्स के लिए। इस गाड़ी के ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के फुटवेल में एम्बियर लाइटिंग आती है, और इवन कप होल्डर्स के अंदर भी। प्लस इसमें यहाँ पे ऊपर एम्बियर लाइट्स दी गई हैं, जो कि इस गाड़ी के
इस वाले एरिया के ऊपर एक काफी मदद इफेक्ट देती है लाइट्स का। इस गाड़ी में सनरूफ आती है जो कि कंपैरेटिवली सी क्लास में पैनोरामिक रूफ आती है। तो मेरे ख्याल से सी क्लास का एक यहाँ पे एज है, इसमें सनरूफ दी गई है जिसकी ओपनिंग कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इसका शटर सनरूफ टुकर भी क्लोज हो जाता है। और इसके अलावा ये इस गाड़ी की ओवरऑल सनरूफ की ओपनिंग जो कि सी क्लास से तो थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी कम है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है और LED है। विंडोज़ के कंट्रोल्स गाड़ी में ड्राइवर के पास दिए गए हैं और सारी विंडोज़ गाड़ी में सिंगल टैप वाली हैं। इस गाड़ी में चाइल्ड लॉक के कंट्रोल्स भी यहीं पे दिए गए हैं, अब यहाँ से बैठ के पिछले डोर्स को चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। बाकी साथ यहाँ पे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी के ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल भी हैं, रिट्रैक्टेबल भी, और ये हीटेड भी हैं। इनको हीटेड पे करने के लिए आप यहाँ पे कर देंगे तो इनका हीटेड साइड मिरर ऑन हो गया है। प्लस इनके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी चीज़ है और गाड़ियों के तो होनी चाहिए। बाकी इस गाड़ी में लॉक अनलॉक करने के लिए ये बटन्स दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कि मेरे ख्याल से एक नीट टच है। हेडलाइट के कंट्रोल मर्सिडीज़ की तरह इस गाड़ी में भी राइट पे आते हैं। इसमें एक ये स्विच दिया गया है जिससे आप इसको ऑटो पार्किंग और ऑन में कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की फॉग के कंट्रोल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के मीटर की इल्यूमिनेशन को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा पूरा है ड्राइवर की सीट नॉर्मल सिटिंग पोस्चर पे करने के बाद। यहाँ पे बिल्कुल मेरे पास पूरा पूरा लेग रूम है और हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरे से कोई लंबा बंदा बैठेगा तो उसको यहाँ पे हेडरूम का इशू होगा। बैक पे यहाँ पे दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं, तीन लोग बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी बैक पे थोड़ी तंग है और इसकी सीट्स भी थोड़ी पीछे हैं। प्लस इस गाड़ी की ड्राइव ट्रेन भी जा रही है यहाँ से, तो इसका जो रेयर पैसेंजर्स का लेग रूम है ये भी थोड़ा कम है। बाकी इस गाड़ी का बैक पे रूम काफ़ी मज़ेदार है इस तरह से कि इसमें एमबी लाइटिंग भी आती है डोर्स में, स्पीकर्स में, और ऊपर यहाँ पे दो इफेक्ट की लाइट्स दी गई हैं जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। प्लस इस गाड़ी की बैक पे यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी आता है, इसको खोल के आप इधर आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके बीच में एक ड्रॉअर दी गई है स्टोरेज पॉकेट यहाँ पे जो कि काफ़ी छोटी सी है। और उसके अलावा इसका एक और फीचर भी है, यहाँ पे इस गाड़ी की सीट का सेंटर वाला पार्ट जो है ये इस तरह से अनलॉक हो जाता है और अब आप इस गाड़ी की ट्रंक को भी कैबिन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई कीज हैं या कोई रॉड्स हैं जो कि आपने ट्रांसपोर्ट करने हैं तो आप इस गाड़ी की ट्रंक से कैबिन के अंदर ले आ सकते हैं लाइक दिस। इसको बंद करके आप इस गाड़ी की यहाँ पे प्रॉपर 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी बना सकते हैं। इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी आते हैं और उसके अलावा बैक पे पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स भी आते हैं और अम्ब्रेला होल्डर्स भी आते हैं। बाकी इस गाड़ी में बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ऑडी A5 30 TFSI के अंदर 1400cc इंजन आता है। 30 देख के लोग अक्सर समझते हैं कि ये गाड़ी 3.0 यानी 3000cc होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस गाड़ी में इंजन 1400cc आता है जो कि टर्बोचार्ज्ड है और ये इंजन 148 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 150 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क जो एक काफ़ी सफिशेंट है बॉडी साइज के लिहाज से। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी तकरीबन 2000 से 2400cc गाड़ी के बराबर होती है। और 1400 होने का एक और फायदा है वो ये है कि इस गाड़ी का आपको टैक्स भी कम पड़ेगा और उसके अलावा इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है। प्लस इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, पार्किंग सेंसर्स और ऑटो पार्किंग इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में ऑडी की डीलरशिप्स भी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, तो आपको इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इतना इशू नहीं होगा। ऑब्वियसली महंगे होंगे लेकिन स्टिल ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर्स की, तो टायर्स गाड़ी में मिशलिन के आते हैं और इसका जो साइज़ है वो है 245, 40 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। और इवन इसकी जो नोजल है इस पे भी ऑडी का सेंटर कैप आता है। ये था आज का रिव्यू ऑडी A5 2018 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।